नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है। एक्टर फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं। इस बीच हाल ही में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे उन्होंने खुद बेहुदा बताया है। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है, जिस पर लोगों ने लाइक्स की बारिश कर दी है, साथ ही तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो उस तस्वीर में ऐसा क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। गौरतलब है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। इस बीच हाल ही में उन्होंने अपनी लेटेस्ट तस्वीर साझा की है, जिसमें आप नवाज की पोर्ट्रेट फोटो देख सकते हैं। एक्टर ने अपनी तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, तेरा खून है 100 में 90 काला, मुझे नहीं पता मैंने ये बेहुदा फोटो क्यों डाला। नवाज की फोटो से ज्यादा उनका कैप्शन लोगों को आकर्षित कर रहा है, जिस पर कुछ ही समय में लाखों में लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही लोग कमेंट कर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। नवाज की इस पोस्ट पर जहां कुछ लोगों ने हार्ट और फायर वाले इमोजी शेयर किए हैं, वहीं कई लोगों ने अलग अलग कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने लिखा, कैप्शन में मास्टर होते जा रहे हैं नूरमिया। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, लेजेंड्स इसी तरह कैप्शन लिखते हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। इस तरह के कई कमेंट्स उनकी पोस्ट पर किए गए हैं। खैर, अगर बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वर्क फ्रंट की, तो उनके पास पाइपलाइन में कई फिल्में हैं, जिनमें हीरोपंती 2, टीको बेट शेरू, नूरानी चेहरा, अद्भुत, बोली चूड़िया, अफवाह, द म्यूजिक टीचर, फर्जी, जोगिरा सारा रारा, रोम रोम में, फोबिया 2 का नाम शामिल है। दर्शकों को उनकी इन सभी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। वे सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते नजर आते हैं, साथ ही जमकर प्यार भी लुटाते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।